बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट चैप्टर नंबर एट है लेक्चर नंबर वन है एफ एस सी के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइम सीरीज़ जी मैं आपके एफ एस सी कोर्स के मुताबिक आपको करवाऊंगी डिस्कस इससे प्रीवियस हम टाइम सीरीज़ डिस्कस कर चुके हैं बट वो मैं बी एस सी पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स आ, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है तो मैंने आप लोगों को उस बुक में जो टाइम सीरीज़ था वो फुल टॉपिक्स आपको डिस्कस करवा दी थी अब हम एफ एस सी के लिए करेंगे जिसमें मैं आपको सबसे पहले टाइम सीरीज़ का इंट्रोडक्शन दूंगी कि आपको पता हो के आपके पास टाइम सीरीज बेसिकली है क्या जब भी आप इंट्रोडक्शन स्टूडेंट आप किसी भी टॉपिक का यूज करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिस्क्राइब द डेफिनेशन आप सबसे पहले उसके डेफिनेशन को फुली एक्सप्लेन करते हो ताकि आपको पता हो कि आप जो चीज डिस्कस कर रहे हो या पढ़ रहे हो वो आपके पास बेसिकली है क्या अगर हम टाइम सीरीज की एज अ डेफिनेशन देखते हैं कि एक सिंगल लाइन में हमें पता चले कि टाइम सीरीज क्या है तो आप डेटा को अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम ठीक है आपके पास जो न्यूमेरिकल डेटा होता है आप उसको अरेंज करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम दैट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज वो आपके पास क्या कहलाता है टाइम सीरीज यही चीज मैं आपको लिखकर बताने लगी डेफिनेशन में जब हम कहते हैं नुमेरिकल नुमेरिकल अरेंजमेंट नुमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम इज़ कॉल्ड अ टाइम सीरीज़ ये सिंगल एक लाइन में मैं आपको डेफिनीशन डिस्क्राइब करके बता रही हूँ देन मैं आपको इसके एक्जाम्पल भी देती हूँ कि आपके पास कोई भी नूमरिकल अरेंजमेंट है ना नुमेरिकल डेटा है अगर आप उसको अरेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू टाइम जब आपके पास हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं कि आप अपने डेटा को अरेंज कर रहे होते हो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज़ कि आपके पास नुमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा है और आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो अरेंज um, कर रहे हो दैट इज़ द टाइम सीरीज वो आपके पास आ जाता है टाइम सीरीज अब मैं इसके एग्जाम्पल देती जाऊंगी स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है आपको भी बता रही हूँ कि जब आप अपने डेटा को सेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दट इज कॉल द्रोनोलॉज

मैं उसको अरेंज करूंगी और ऑर्ली टम्परेचर एक एक घंटे बाद जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको मैं अरेंज करके लिखूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है क्योंकि आपके पास ऑर्ली हम ले रहे हैं टाइम इज़ आल्सो इन्वॉल्व देन दिस इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज एंड इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज ये तो ऑर्ली आपके पास हो गया इसी तरह अगर आप कहते हो के रिकॉर्डेड एट अ लोकेलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर द वीकली प्राइजेज ऑफ वीट इन लाहौर अगर हम वीकली पहले हमने ऑनली डिस्कस किया देन अगर हम वीकली कहते हैं कि वीकली हम प्राइजेज ऑफ वीट मालूम कर रहे हैं प्राइजेज ऑफ वीट अब देखें प्राइजेज ऑफ वीट जो है इस ऑलवेज़ कम इन द नुमेरिकल डेटा ठीक है आपको जब क्वान्टिटेटिव डेटा अवेलेबल होगा जब आपको उसके प्राइजेजन होंगे वीट की और वह आप वीकली उसमें चेंजिंग देखोगे कि वीकली आपके पास क्या चेंजिंग आ रही है आप अपनी नुमेरिकल डेटा को अरेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वीकली टाइम यूज़ हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज ये भी आपके पास टाइम सीरीज़ की एग्जाम्पल है इसी तरह हम कहते हैं कंजम्पन ऑफ अलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन अगर हम मंथली देखते हैं कि हमारे पास मंथली में अगर हम मंथली भी तो टाइम है ना एक मंथ का आपको टाइम भी होना है अगर मंथली हम देखते हैं तो हम देखते हैं कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कितना यूज़ करते हो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज मंथली में अगर आप देख रहे हो इसी तरह हम कहते हैं मंथली टोटल ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाई रेल कि आपके रेल अगर किसी कंट्री में है तो उसने मंथली कितने पैसेंजर्स टोटल एक मंथ में कैरी किए हैं आप नोमेरिकल डेटा को अपने टाइम के हिसाब से सेट कर रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज सिंपली आपने याद रखने कि जब भी आपके पास नोमेकल डेटा गिवन होगा आपने उसे अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो अरेंज करना है दैट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज़ वो आपके पास क्या आ जाएगा टाइम सीरीज आ जाएगा अच्छा इसी तरह अगर हम देखें कि एनुअल रेनफॉल एट कराची अब देखो हम ईयरली चेक कर रहे हैं ना कि एनुअल annual, एनुअली आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है तो हम कहते हैं एनुअल अगर हम चेक करते हैं रेनफॉल रेनफॉल इन कराची ये अक्सर न्यूज़ में भी आपको बताया जा रहा होता है कि एनअल रेनफॉल इन कराची लाहौर डिफरेंट आपके पास सिटीज़ लिए जा रहे होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है तो जो आपके पास जितनी भी रेनफॉल आई है इट्स कम्स इन द नूमेरिकल डेटा तो आप उसे मैयर करोगे इन द नूमेरिकल डेटा और उसका आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या कर रहे हो सर्च कर रहे हो उस पर ऑब्जर्व कर रहे हो एनालाइज़ कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज़ तो यह आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं टाइम सीरीज़ की अनालिस ऑफ टाइम सीरीज़ के हैं हमने टाइम सीरीज़ तो पढ़ा अब स्टूडेंट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हमारे पास क्या है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज अब देखें एनालिसिस मीन क्या होता है एनालिसिस बेसिकली आप कहते हो किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो जब ठीक है अगर आप टाइम सीरीज़ ले रहे हो टाइम सीरीज़ में आपके पास क्या आ रहा है न्यूमेरिकल डेटा आ रहा है जिसको आप अकॉर्डिंग टू टाइम अरेंज कर रहे हो अगर इसको एनालिसिस करना है हमने एनालाइज करना है बेसिकली इसको हमने ऑब्जर्व करना है तो दैट इज़ कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज यही चीज़ वो आपको डिस्क्राइब करके बता रही है कि द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज़ अ प्रोसेस बाई विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द टाइम सीरीज इज इजाइज

अच्छा स्टूडेंट ग्राफ ऑफ़ टाइम सीरीज़ हमारे पास क्या आ जाता है अगर हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एक तो टाइम गिवन होगा ईयरली टाइम गिवन होगा ठीक है एंड क्वार्टर्स गिवन होंगे जिसमें आपको डिफरेंट थिंग्स दे दी जाते हैं हम कहते हैं द ग्राफ़ ऑफ टाइम सीरीज इज़ कॉल्ड हिस्टोरी ग्राफ अभी जो आपके पास अब हिस्टोरी ग्राम प्रजेंटेशन ऑफ डेटा जो है उसमें मैं आपको डिस्कस भी करवा चुकी हूँ सेकेंड जो आपके पास चैप्टर है उसमें आप हिस्टोरी ग्राम डिस्कस कर चुके हो तो जो ग्राफ ऑफ़ टाइम सीरीज यूज़ हो रहा होता है वो आपके पास हिस्टोरी ग्राम होता है हिस्टोरी ग्राम में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सेस पे टाइम अवेलेबल होता है दैट इज़ इन टाइम ठीक है हिस्टोरी ग्राम में हम इन्वॉल्व करते हैं टाइम को तो ये ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज होता है हम कहते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोरी ग्राम वी मार्ट द टाइम यूनिट्स अलॉन्ग द एक्स एक्सेज एंड द टाइम सीरीज वेरिएबल अलॉन्ग द वाई एक्सेज देखिए आपको ये तो पता है कि हमारे पास टू पॉइंट्स होते हैं ठीक एक एक्स एक्सेस होता है एक वाई एक्सेस होता है यहां हम अपने टाइम को मैयर करते हैं कि जो आप टाइम ले रहे हो ठीक है आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम आ रहा है अगर मैं यहाँ ले रही हूँ 1919 ले रही हूँ 1991 ले रही हूँ 1992 ले रही हूँ एंड 1993 और यहाँ हम लेते हैं वेरिएबल्स जो भी हम वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो वाई एक्सेज पर हम अपने वेरिएबल को लेते हैं हम कहते हैं पॉइंट पॉइंट्स प्लॉटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड द वैल्यूज ऑफ़ टाइम सीरीज वेरिएबल आर जॉइन बाई द स्ट्रेट लाइन ऑफन द मिनि मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज वेरिएबल इज डिस्टेंस फ्राम जीरो द वेरिएशन आर डिज़ टेक्टेड टू अ सर्टन रेंज ऑनली फॉर एग्जाम्पल इन द टेबल रेंज अगर हम कहते हैं हाँ जी इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ स्टूडेंट जब आपके पास वैल्यूज गिवन होंगे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यूज़ गिवन है आपने वो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ठीक है फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट्स जो हैं प्लॉट कर रही हूँ मेरे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं ठीक है आपने बेसिकली ग्राफ है फिर आपने उनको एक लाइन से जोड़ देना है आपस में ज्वाइन करना है ठीक है टाइम सीरीज़ में आपको वेरिएशन ऑफ़ द डेटा जो है वो आपको समझ में आएंगी कि आपके पास वेरिएशन ऑफ़ डेटा क्या आ रहा है ठीक है हमारे पास वेरिएशन ऑफ डेटा आपको पता चल जाएगा अच्छा स्टूडेंट एक और चीज़ मैं आपको साथ डिस्कस करती जाऊँ कि आपने टाइम सीरीज में दो चीज़ें और डिस्कस करनी है एक हमारे पास सिग्नल एक सिग्नल एक नॉइज ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास जो है टाइम सीरीज़ में आ रही हैं और इसको भी आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास सिग्नल क्या होता है और नॉइज़ क्या होता है देखिए स्टूडेंट सिग्नल आपके पास क्या होता है कि अगर आप सिग्नल जब हम आप वैसे भी अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूँ आप रोड्स पर जाते हो तो आप सिग्नल एंड नॉइज़ का वर्ड बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हो सिग्नल आप इस वजह से यूज़ कर रहे हो तो कि आप कहते हो कि आपकी जो वेरिएशन है चेंजिंग वो एक पैटर्न में है ठीक है आप एक पैटर्न में रुक रहे हो रेड लाइट आने पर फिर येलो लाइट आने में तैयार हो जाते हो ग्रीन पर आप

रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन जो है लेता है फॉलोइंग द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन दैट इज कॉल्ड सिग्नल एंड नॉइज हमारे पास क्या है फॉलोइंग इेगुलर इेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन हमारे पास नॉइज़ में इट्स फॉलोइंग द इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन एंड सिग्नल में इट्स अ फॉलोइंग रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड अ सिग्नल एंड नॉइज़ आपके पास क्या होता है जब फॉलोइंग द इरेगुलर पैटर्न ऑफ हमारे पे इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन तो ये हमारे पास आ जाता है सिग्नल एंड नॉइज़ अच्छा इरेगुलर क्या होता है हम कहते हैं वेरिएशन विच अकर ऑन अनप्रिडिक्टेबल इज़ कॉल्ड द इरेगुलर पैटर्न इरेगुलर पैटर्न क्या है बच्चे जब आप कहते हो कि आपके पास आपकी जो वेरिएशन हैं वो अक्र हो रही हैं अनप्रिडिक्टेबल मैनर में कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे आप उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन वो हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अक्सर फ्लड्स आ जाते हैं कंट्री में ठीक है इसी तरह जल्जले आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या इररेगुलर पैटर्न होता है कि हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते लेकिन अगर वो अकर हो जाते हैं तो दैट इज़ द इरेगुलर पैटर्न है एंड नॉइज़ आपके पास क्या है नॉइज़ फॉलोइंग द इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन एंड सिग्नल फॉलोइंग द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल एंड नॉइज आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा ये आपको सिर्फ बेसिक बताना था इंशाल्लाह नेक्स्ट इनशा स्कैटर डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज